प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसको हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है और संख्या रेखा में अंडर रूट 5 को प्रदर्शित करना है और दिखाना है कि इसको किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है उस संख्या रेखा में। इसके लिए हमें एक संख्या रेखा में डायग्राम बनाएंगे जिसको समकोण त्रिभुज की सहायता से हल करके सिद्ध करेंगे। आइए तो हम इसको एक डायग्राम बना लेते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन में एक डायग्राम इस तरह का बनाना है। ये संख्या रेखा हो गई, इसमें एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के क्या करेंगे, संख्या रेखा में 0 से 0 के दाईं तरफ की संख्याएं धनात्मक लेंगे। संख्या रेखा पे 0 से दाईं तरफ की संख्याएं धनात्मक होंगी तथा 0 से बाईं तरफ की संख्या ऋणात्मक होंगी। 0 में अब इसमें इसको क्या करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय से हल करना है। इसमें क्रम बाय क्रम जितने भी त्रिभुज हैं पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कक्षा 6वीं में 7वीं 8वीं आपने पढ़ रखी है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तब लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, क्योंकि यहाँ पे ए बनता है इसलिए इसे समकोण बनाएंगे। तो ओ ए बी समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हल करेंगे। अब ओ ए बराबर कितना है, ओ ए बराबर एक इकाई है। ओ ए बराबर एक इकाई कितनी है, एक इकाई दूरी कितनी है, एक। इसी प्रकार ए से बी तक की दूरी कितनी है, एक। अब हमें ये ज्ञात करना है, हमने ये ज्ञात करना दिया नहीं है, हमने लिख दिया लेकिन दिया नहीं है। तो ओ यहाँ ओ ए बराबर एक इकाई, ओ बी ए बी बराबर एक इकाई। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, ओ बी का स्क्वायर बराबर ए ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट करेंगे ओ बी का स्क्वायर, ओ बी हमें कर्ण ज्ञात करनी, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का कितना है, एक इकाई, प्लस ए बी का कितना है, एक इकाई। एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक एक कितना हो जाएगा, दो। ओ बी बराबर दो। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, इसका हम वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, एक साइड से जब इधर से रूट हट जाएगा और इधर जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये दो हटा और इधर चढ़ जाएगा तो अंडर रूट दो हो जाएगा। अब पुनः अगले वाले में हल करेंगे, इसी प्रकार सेकेंड नंबर में हल करेंगे। सेकेंड नंबर मीन्स ओ बी सी में, समकोण त्रिभुज ओ बी सी को लेंगे दोबारा हल करने के लिए। लेंगे समकोण त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी है ओ बी सी, ठीक है। समकोण त्रिभुज बी ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से, बी ओ सी में ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसी प्रकार नेक्स्ट है ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर कितना निकाले हैं अभी यहाँ पे ये निकला है ओ बी का स्क्वायर, तो इसमें रख देंगे ओ बी का स्क्वायर कितना, अंडर रूट दो रख दिए, प्लस एक। बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना है, एक। बी सी स्क्वायर बराबर कितना है, चित्र में देख चुके हैं आप, बी सी स्क्वायर बराबर एक दिया है। बी सी स्क्वायर चित्र में देखें फिर से, चित्र में बी सी स्क्वायर, बी से सी ये बी सी सी तक की दूरी एक दी हुई है, बी सी बराबर एक दिया है, इसलिए हमने बी सी का स्क्वायर एक रखे। तो अंडर रूट दो का मान कितना होगा, 2 × 2 मतलब 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया ओ सी, यहाँ पे 2 + 1 क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा, 2 + 1। ओ सी स्क्वायर बराबर 2 + 1 = 3, ओ सी स्क्वायर बराबर 3, इसलिए ओ सी बराबर √3। ये 2 का यहाँ पे वर्क कर दिए। अब पुनः अब लेंगे सेकेंड नंबर, 3 हो गए। अब यहाँ पे अगला त्रिभुज आएगा तीसरे नंबर का, ये ओ सी डी, एक त्रिभुज ये है, क्या है अगला त्रिभुज होगा, अब पाइथागोरस, अब समकोण त्रिभुज सी ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से, सी ओ डी कहाँ है, इसमें यहाँ पे त्रिभुज देखें, सी ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी कहाँ है, ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर, ओ
सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर डी और डी सी का स्क्वायर हो गया डी सी का स्क्वायर। ओ डी हमें ज्ञात करनी तो ओ डी स्क्वायर और रखा रहेगा ओ सी या भी ओ सी स्क्वायर अंडर रूट थ्री निकाले हैं अंडर रूट थ्री हो गया फिर प्लस ये एक का स्क्वायर डी सी बराबर कितना दिया है एक तो डी सी बराबर एक रख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे ओ डी स्क्वायर बराबर थ्री प्लस वन ओ सी ओ डी स्क्वायर बराबर फोर थ्री प्लस वन इजक्ल टू फोर और यहाँ पे ओ डी बराबर अंडर रूट फोर। यहाँ पे क्या करेंगे अंडर रूट फोर को टू गुड़े टू यहाँ पे जब जोड़ा बन जाएगा तो जोड़े को हम एक दो बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा दो आ जाएगा एक जोड़ा बन जाएगा तो कितना आ जाएगा दो आ जाएगा। यहाँ से फिर सुन लो कि ओ डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर तो ओ डी स्क्वायर बराबर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ओ डी स्क्वायर बराबर थ्री प्लस वन यहाँ पे वो निकाल लिए वैल्यू। अब ओ डी स्क्वायर बराबर फोर थ्री प्लस वन इजक्ल टू फोर ओ डी बराबर अंडर रूट फोर अंडर रूट फोर को हम क्या लिख सकते हैं टू गुड़े टू अंडर रूट के अंदर तो ये जोड़ा बन जाएगा तो दो निकाल आएगा इसलिए दो निकाल लिया हमने। पुनः अब पुनः समकोण त्रिभुज डी ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय से डी ओ ई में किस में डी ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय से ओ ई बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर ओ ई स्क्वायर बराबर ओ डी का मान अभी कितना निकाले हैं दो निकाले हैं इस दो को यहाँ पे रख देंगे फिर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो गया। अब इनको क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे दो का गुणा दो दूनी चार हो जाएगा यहाँ पे चार हो गया प्लस वन हो जाएगा पाँच हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट फाइव कितना आ जाएगा ओ ई बराबर अंडर रूट फाइव। इस प्रकार से क्या करना था हमको इस प्रकार से अब ओ को केंद्र मान केंद्र और ओ ई को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचिए। ओ को हमें क्या केंद्र मानना है ओ को केंद्र मानना है और ओ ई का को त्रिज्या ओ को केंद्र मानेंगे और ओ ई को क्या मानेंगे त्रिज्या मानकर एक चाप खींचिए जो संख्या रेखा को ओ ई डैश किस पर ओ ई डैश पर प्रतिच्छेद करता है जहां ओ ई डैश बराबर अंडर रूट फाइव है। ये यहां पे हमने देखिए प्रदर्शित किया है ई से यहां पे ई डैश है इस पे हमें क्या करना था ओ को केंद्र मान था ओ ये है ओ को केंद्र मानकर ओ ई बराबर ओ से ई बराबर एक चाप लगाना था यहाँ पे चाप लगाना आप लोगों को कक्षा आठवीं में अच्छे से समझाया गया है केंद्र मानकर और त्रिज्या मानकर एक चाप खींचे चाप खींचने के बाद जो ऐसे प्रकार से चाप खींचते हैं चाप लगाए के बाद यहाँ से ले गए पूरा यहाँ से सर्कल लगा के ई डैश तक खींच देना है ठीक। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट फाइव एक संख्या रेखा में निरूपित हो जाएगी अंडर रूट फाइव को हम यहाँ पे निरूपित कर देंगे।